पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी की कदावर नेता सुषमा स्वराज अब हमारे बीच नहीं रही हैं। मंगलवार को देर रात दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है। वह 67 वर्ष की थी। सुषमा स्वराज के परिवार में उनके पति राज कौशल और उनकी बेटी है। मंगलवार शाम को केंद्र सरकार को ट्वीट कर अनुच्छेद 370 हटने पर देने के कुछ ही घंटों बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा। सूत्रों के मुताबिक हॉस्पिटल में उनकी काफ़ी नाजुक हालत बताई गई थी और उन्हें 10:15 बजे एम्स लाया गया था। उनका पार्थिव शरीर बुधवार सुबह उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। ताज़ा अपडेट्स के लिए नेशनल 18 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन